कर्नाटक में कामेगौड़ा, जो कि लेक मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो पास के मंदिर में जाने के लिए सिर्फ एक मुफ्त बस पास चाहते थे, लेकिन पिछले कई सालों से निस्वार्थ भाव से किए जा रहे उनके कामों के चलते अब कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने उन्हें जीवन भर के लिए मुफ्त पास देने का फैसला किया है। कामेगौड़ा कुछ समय पहले तक एक आम आदमी की तरह अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में उनका जिक्र किया और उसके बाद से उनका जीवन बदल गया है। इसके बाद से ही देश के लोग उन्हें जानने लगे और उन्हें वास्तव में वो पहचान मिली जिसके वो हकदार थे। पीएम मोदी ने मन की बात में कामेगौड़ा का जिक्र करते हुए बताया था कि 82 साल की उम्र में उनके घर के आसपास दसाना डोडी में 16 तालाब बनाए हैं। कर्नाटक के मंड्या जिले में मालावल्ली तालुका में दसाना डोडी गाँव है। कामेगौड़ा ने पहला तालाब 40 साल पहले बनाया था और उसके बाद से वो कभी नहीं रुके। कामेगौड़ा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने तालाब बनाने का फैसला क्यों किया। वायरल हुए इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो पहले जंगल में भेड़ बकरियां चराया करते थे, तब उन्होंने देखा कि कैसे चिड़िया और जंगली जानवर प्यासे हैं और उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। इसके बाद उन्होंने अपनी सैकड़ों भेड़ बकरियों को बेचकर तालाब बनाने की शुरुआत की। कामेगौड़ा ने कहा कि हर व्यक्ति को आगे आकर इन जानवरों और पक्षियों के लिए पानी के स्रोत बनाने चाहिए। कामेगौड़ा ने कहा कि उन्हें सिर्फ माले महादेश्वर मंदिर और हनुमान थप्पा बिना किसी मुश्किल के जाने के लिए बस पास की जरूरत है। कामेगौड़ा ने बताया कि भले ही पूरे देश को उनके बारे में मन की बात कार्यक्रम के बाद से पता चला हो, लेकिन उनके गाँव के लोगों ने उनका हमेशा से सम्मान किया है और उन्हें केरे उपनाम दिया है।